प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की देरी को लेकर अब धीरे धीरे सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच देवास के भाजपा पार्षद दल ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ न्यायालय में जाने का मन बना लिया है, जिसके पहले चरण में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश को पत्र लिखा है। देवास भाजपा दल के मनीष सेन, राजेश यादव एवं विनय सांगते ने इस संबंध में बताया कि नगरीय निकाय एक्ट एवं भारतीय संविधान में उल्लेखित है कि किसी भी नगरीय निकाय का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही आगामी चुनाव कराने की तैयारी, परिसीमन आरक्षण व चुनाव सम्पन्न कराना आवश्यक है, किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 45 दिन पूर्ण होने के बाद भी नगरीय निकाय चुनाव कराने संबंधी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। भाजपा पार्षद दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव कराने से डर रही है, उससे साफ प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत दयनीय है और वह इस समय चुनाव हारने के डर से इस चुनाव को टालना चाहती है। भाजपा नेताओं ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार 5 दिवस के अंदर नगरीय निकाय चुनाव संबंधी घोषणा करे, अन्यथा जनहित में माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी। जनता पार्टी के पार्षद दल ने मध्य प्रदेश में जो चुनाव नगरीय चुनाव टाले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार अपनी हार के कारण उसको चुनाव को डाल रही है, इसलिए आज हमने एक पत्र लिखा है मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव एवं इलेक्शन कमीशन के आयुक्त को। किस मामले को लेकर पत्र लिखा है? आज हमने चुनाव जल्दी से घोषणा करने के लिए बनाया है। अगर इस तरीके से चुनाव टाले जाएंगे तो पब्लिक का इसमें जनहित के लिए ये नुकसानदायक।